और तीसरा कमलाक्ष, तीनों राक्षस जाति में होते हुए भी, दानव जाति में होते हुए भी भगवान को बहुत मानने वाले थे। दैत्यों में भी कई ऐसे ऐसे दैत्य हुए हैं जो भगवान को बड़ा मानते थे, जैसे कि हमें याद होंगे राजा बलि विष्णु के कितने बड़े भक्त, कितने बड़े भक्त। अब जब उनके पिता नहीं रहे तो पुत्रों का मन बहुत उदास है कि हम अनाथ हो गए, पिता का साया बच्चों के ऊपर से उठ जाए, चाहे बच्चे कितने भी पढ़े क्यों ना हो, लेकिन बच्चों को लगता है कि हम अनाथ हो गए, है ना। लेकिन सिर्फ एक पिता होता है जो हमें कभी छोड़ के नहीं जाते, ईश्वर हमारे। ये सारे रिश्ते हमें छोड़ जाएंगे, लेकिन सिर्फ ईश्वर है जो हमें किसी हाल में कभी नहीं छोड़ेंगे, सिर्फ वही हमारा साथ रखेंगे। ये जो चमड़ी है ना, चमकती चमड़ी, जब तक इस तन पे है ना ये, तब तक सब आपस में है हमारे रिश्तेदार। और जब ये चमड़ी भी नहीं रही, ये दमड़ी भी नहीं रही, तो कोई नहीं पूछेगा, कोई नहीं पूछेगा। आज हम किसी से बात करते हैं, हमारे यहाँ का माहौल बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा, सब भगवत भाव है, सब में भगवत भाव है, बहुत अच्छा स्वभाव है। लेकिन अगर आप देखिएगा, अगर किसी दिन किसी में अहम आ गया कि मैं बड़ा, तो वहाँ पे फिर बात करने का तरीका अवधा ही अलग हो जाता है। एक सिर्फ ये जो कथाएं हैं, ये जो महाशिव पुराण है, भागवत कथाएं हैं, श्री रामचरितमानस है, ये सब हमें यही बताती है कि हे नर, हे मानव, तो पृथ्वी पर रह, हवा में ना उड़, हवा में ना उड़।